नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास टाटा टिगुआन 2019 मॉडल BS4 है, पेट्रोल गाड़ी। तो इसके अंदर कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी का जो एक स्पीड में चलेंगे, जैसे 80 के स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो अचानक इसके अंदर झटका आएगा, मतलब ऐसा जर्क मारेगा। और साथ में जब भी जर्क मारता है ना, तभी उसका जो चेक लाइट है ना, वो ऑन रहता है। गाड़ी चालू करने के बाद इसका चेक लाइट जाना चाहिए, और चेक लाइट गाड़ी चालू करने के बाद में भी आ रहा है, इट मीन्स गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है या मैकेनिकल भी हो सकता है। तो इसको एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। क्लच दबा के स्टार्ट किया मैंने, गाड़ी अपने हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे देखेंगे गाड़ी अपनी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो चेक लाइट है, जो येलो कलर का सिंबल है, ये कंटिन्यूसली ऑन है। ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसको जाना चाहिए, लेकिन ये ऑन है। ऑन है मतलब गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसको एक बार अपन स्कैन करते हैं। तो स्कैन करेंगे थिंक टूल मास्टर के ऊपर, और इसका VCI मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। और इस फॉल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक बार स्कैन करते हैं। इग्निशन स्विच जो मैंने ऑन रखा है, इंटेलिजेंट डायग्नोस में जाएंगे, और जो भी फॉल्ट आता है उसको आपको 2 से 3 बार उसको रीड करना है, क्योंकि ये फॉल्ट के अंदर ही उसका आंसर रहता है, लेकिन आपको जो लिखा है वो आपको बराबर पढ़ना है। तो इसको एक बार टाटा इंडिया में जाता हूँ मैं, यहाँ पे उसका चेसिस नंबर दे दिया, जाएंगे डायग्नोस में, वर्जन सिलेक्ट करेंगे, व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, और ये टिगोर है, यहाँ पे लिखा है टिगोर। टिगोर को सिलेक्ट करता है, ये BS4 BS6 पूछ रहे हैं। BS4 है अपनी, और साथ में ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल को सिलेक्ट करके सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, और AMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को रीड करेंगे, क्योंकि ये चेक लाइट आ रहा है, मतलब ECM के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो रीड फॉल्ट कोड करते हैं, तो यहाँ पे शो हो रहा है P0010-13 कैम्पशाफ्ट पोजिशन एक्चुएटर कंट्रोल सर्किट, सर्किट ओपन, और ये कन्फर्म में फॉल्ट है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कैम्पशाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर लिखा है, इधर सेंसर लिखा रहता है, कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर तो फॉल्ट अलग होता है, और कैम्पशाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर लिखा है। एक्चुएटर मतलब क्या कर रहा है, वो टाइमिंग को, इंजन का जो टाइमिंग है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर जो रहता है उसमें एडवांस रिटायर कर रहा है, वो जो मूवमेंट है एडवांस रिटायर की, वो ये एक्चुएटर कर रहा है। तो इसका आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो इसको एक बार मैं फॉल्ट को क्लियर करता हूँ, यस कंप्लीट, और वापस रीड करेंगे उसको फॉल्ट को, तो ये रिपीट आ रहा है, इट मीन्स गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। तो आपको एक बार लोकेशन दिखाता हूँ कि जो एक्चुएटर है ये कहाँ पे लगता है, कैम्पशाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर, और इग्निशन स्विच को ऑन ही रखा हूँ मैं, और उसका सेंसर का वायरिंग और एक्चुएटर अपन चेक करेंगे सप्लाई। तो इंजन कंपार्टमेंट को ऑलरेडी खोला है मैंने, और यहाँ पे देखेंगे तो ये है इसका कैम्पशाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर, और देखेंगे नोटिस करेंगे तो इसका वायरिंग कटा हुआ है, चूहे ने खाया हुआ है। ये इसका एक्चुएटर है जो टाइमिंग को एडवांस रिटायर करता है, और यहाँ पे इसका कैम्पशाफ्ट सेंसर आता है पीछे, लेकिन ये फॉल्ट दे रहा है एक्चुएटर का। तो अपन एक्चुएटर के ऊपर ही काम करेंगे, उसके पहले मैं आपको सप्लाई दिखाता हूँ कि इसके अंदर सप्लाई क्या आ रहा है। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट DC पे सेट किया है, ब्लैक प्रोब मैंने ग्राउंड में लगाया, और रेड प्रोब से अपन इसका सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि एक वायर तो लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 आ रहा है वोल्टेज, और जो सेकेंड वायर जो कटा है उसके अंदर अपन चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है 12 वोल्ट। तो एक्चुएटर है तो ये उसके अंदर ये पॉजिटिव निगेटिव आएगा, लेकिन ये जो 3.3 आ रहा है इसलिए कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कोई ना कोई अंदर ECM के अंदर IC में वो अंदर डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। तो जैसा भी ये गाड़ी स्टार्ट होएगी तो ये 3.3 का वोल्टेज है ना, ये ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये ऑन ऑफ होएगा, और ECM उसको ग्राउंड उसका कंट्रोल करेगा अपने हिसाब से।
तो इसके अंदर सप्लाई तो प्रॉपर आ रहा है, तो इसको एक बार मैं ज्वाइन करता हूँ वायर को और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट अपना क्लियर हो रहा है क्या। तो फाइनली इसका कैमशाफ्ट पोजीशन एक्चुएटर का वायरिंग मैंने रिपेयर कर दिया, और एक बार फॉल्ट कोड को अपन चेक करते हैं कि ये क्लियर हुआ क्या। तो पहले तो मैं इसको स्कैन करूँगा, पहले ये फॉल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल्ट मेमोरीज में चला गया, पहला वो कंफर्म में था कि मेमोरीज में गया, तो ये फॉल्ट अपना क्लियर भी हो जाएगा। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, यस करेंगे, यस रेड ट्रबल कोड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नो डीटीसी, नो डीटीसी, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई हाफ सेल्फ में। और देखेंगे तो इसके अंदर जो चेक लाइट आ रहा था वो चला गया, ये पहला चेक लाइट आ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।